नेता वाला पहाड़ा सुना जाई थे कि नेता के अंदर कितने गुण होना चाहिए, तो समझो पक्का नेता नहीं कच्चा नेता है। नेता के कम नेता, नेता के कम नेता, नेता दुक्का दगाबाज, नेता दुक्का दगाबाज, नेता तिके तिकड़ीबाज, नेता तिके तिकड़ीबाज, नेता चौके 420, नेता चौके 420, नेता पंचे पुलिस दलाल, नेता पंचे पुलिस दलाल, नेता छक्के छैल छबीला, नेता छक्के छैल छबीला, नेता सत्ते सत्ताधारी, नेता सत्ते सत्ताधारी, नेता अठे अकड़बाज, नेता अठे अकड़बाज, नेता नवैया नारेबाज, नेता नवैया नारेबाज, नेता दहम्मा दफाबाज। अगर इतने सारे गुण के अंदर होंगे तो समझो पक्का नेता नहीं कच्चा नेता है। कहना है यूपी की मजबूरी है, यूपी की मजबूरी है और संझा का पौवा बहुत जरूरी है। यूपी की मजबूरी है, संझा का पौवा बहुत जरूरी है। घसर पचर के घानी, घसर पचर के घानी, आधा दारू आधा पानी। अरे जब से देसवों में दारू चल गए, जब से देसवों में दारू चल गए, न्याय चला गा भाड़े। मुंशी पिए दरोगा पिए, पुलिस वाले पी रहे आड़े माँ। मुंशी पिए दरोगा पिए, पुलिस वाले पी रहे आड़े माँ। मौका पाके चौकीदार पी के घूस लिए हुई आड़े माँ। पंच पिए प्रधान पिए, सिगरेट नहीं पी रहे आड़े माँ। पंच पिए प्रधान पिए, सिगरेट नहीं पी रहे आड़े माँ। मौका पाके नेक पालो पी के जनता मर गए। नेता पिए विधायक पिए, मंत्री पी रहे आड़े माँ। नेता पिए विधायक पिए, मंत्री पी रहे आड़े माँ। मौका पाके गोविंदो पी गा लड़का मर के जा। हवेली के चारों तरफ तो पुलिस नजर आ रही है। सेरा कहिए, देखा आखिर चतुर सिंह ने अपनी चतुराई दिखाई दिया। लेकिन इस बार तेरी कोई चतुराई नहीं चलेगी चतुर सिंह। सेरा एक काम करो। तो काम कौन सा है? शंकर गढ़ के बगल में जो शिवगढ़ है, कुछ साथी जाओ और वहाँ हवाई फायर करो ताकि पुलिस वालों को शक हो कि शंकर सिंह ने शंकरपुर को नहीं बल्कि शिवगढ़ में हमला बोल दिया है। और पुलिस वहां चली जाएगी, उसके बाद हमें मौका मिल जाएगा, तब हम चतुर सिंह की हवेली पर हमला करेंगे। जनाब जी हम लोग जा रहे हैं। जाओ आओ हमारे साथ। राम सिंह, हवेली के बाहर तो पुलिस का पहरा लगा हुआ है, लगा हुआ है, लेकिन हवेली के अंदर अभी पुलिस का कोई कर्मचारी नहीं आ रहा है। कोई नहीं आया। हमें तो डर लग रहा है कि वो शंकर सिंह ने आज के दिन के लिए चैलेंज दिया है, वो भी डकैती डालने के लिए। लेकिन अभी तक पुलिस का कोई कर्मचारी क्यों नहीं आया? हमें इंस्पेक्टर अमर चाहिए। हमें आप ही का इंतजार था कि हवेली के चारों तरफ तो पुलिस का पहरा लगा हुआ है, लेकिन हवेली के अंदर अभी तक कोई पुलिस का कर्मचारी नहीं आया था, तो हमें घबराहट महसूस हो रही थी। आपको चिंता करने का आवश्यकता नहीं, आप बैठ कर आराम कीजिए। और हमारी पुलिस फोर्स आपके हवेली के चारों तरफ लगी हुई, आप जैसा ही शंकर सिखाएगा और गिरफ्तार होगा, आपको चिंता करने का आवश्यकता नहीं। इंस्पेक्टर अमर आपके रहते हुए
अब हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता फिक्र नहीं है। क्यों नहीं? अब हवेली में हम आराम करने जा रहे हैं। आराम लगता है कि साल शंकर सिंह इस शंकर को छोड़कर शिव गर्भ की चढ़ाई कर चुका है, इसलिए आओ चलते हैं और उसका पीछा करते हैं। और जमींदार साहब आप अपने हवेली पर आराम कीजिए और शंकर सिंह शंकर को छोड़कर शिव गर्भ अपनी चढ़ाई कर चुका है और हम लोग उसका पीछा करने जा रहे हैं। आप अब हवेली पे आराम कीजिए और आपकी हवेली पे वो कभी नहीं आएगा। पूरी पियासी पुलिस चली गई। पियासी पुलिस नहीं, पियासी पुलिस बोल। राम सिंह और शंकर सिंह ने हमारी हवेली को चैलेंज दिया था लूटने के लिए, लेकिन उसने देखा कि ठाकुर की हवेली में पुलिस का पहरा लगा हुआ है, तब वो साला शंकर गढ़ की बजाय शिवगढ़ में डकैती डालने के लिए चला गया है। अब शंकर सिंह जो ठाकुर चतुर सिंह की हस्ती को देखा नहीं है, अबे जो डर गया समझो वो मर गया। चतुर सिंह दूसरों का चैन सुख छीन कर बड़ी चैन की नींद सो गया, ये भी भूल गए, ये कैसे भूल गए कि शंकर सिंह ने तुझे चैलेंज किया था। चतुर सिंह तुझे मैं अब सकता नहीं, छीन तूने लिया मेरा सुख चैन, शंकर भाई अरुणा सोचा चारों तरफ शंकर है, अभिमान है अपनी ताकत पर तो ये कैसे भूल रहा है चतुर सिंह, तो पाप धरती पे जब जब कहा बेस्तर पाप करना कर दिया करतार ने, इसलिए अभिमानी रावण चाहते हो अरे शंकर लगे तुम दबा।
कुंवर सिंह, तूने अपने गंदे पैरों से ठाकुर की हवेली को गंदा किया है। और शंकर सिंह, तुझे मालूम नहीं है कि जहां पर तेरे कदम रखे हुए हैं उसके चारों तरफ सिर्फ बारूद का ढेर लगा हुआ है, और उसका रिमोट ठाकुर चतुर सिंह के हाथों में है। अगर रिमोट का बटन दबाऊंगा तो तुम्हारे जिस्म के चिथड़े चिथड़े उड़ाएंगे। चतुर सिंह शंकर सिंह को गोला बारूद की धमकी दे रहा है। चतुर सिंह शंकर सिंह गोला बारूद से जमाने से खेलता चला रहा है। इस जमाने में तेरे बाप दादा अपने वालों में चतुर सिंह, जिस तरह से तूने गरीबों का खून बहाया है, जब तक मैं तेरा खून नहीं बहाऊंगा मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। मरने के लिए तैयार हो जा हराम जादा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर एक याद रहना, उन गरीबों की चीख सुनाई दे रही है। मैं तो तुमसे परेशान रहता हूं टकर से, आप ऐसे तरह से दुश्मन का पीछा करोगे पांच सवाल
वाह पकड़ सिंह, मैं तो तुमसे परेशान हो जाता हूँ। अरे अपना पान से वालों पकड़ सिंह, साइकिल से घायल हो चुका है, आज ना पीछा करते हैं, आप भाग कर जाने न पाए। गोली अरे बाह को छूकर निकल गई है। एक काम करो, पुलिस वाले ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, बिजली सभी साथियों को लेकर तुम बड़ी पहाड़ी जाओ और मैं जा रहा हूं अपने घर, क्योंकि यहां से थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है। आज मैं चले अचानक मेरे बच्चों की मुझे याद आ गई है, अपने बीवी बच्चे से मिलकर शीघ्र ही तुम लोगों को बड़ी पहाड़ी पर मिलूंगा। जाओ बड़ी होशियारी से तुम लोग निकलो। जय मां भवानी। फकर सिंह आर अरवा जी, फकर सिंह मैं तुमसे परेशान हो जाता हूँ, इसी तरह दुश्मन का पीछा करोगे जब तक तुम पान संभालोगे ना, जब तक तो तुम्हारी जान ले लेगा। अरे सर वो बात नहीं है, फिर आप जाने तब की हमारा नवा नवा बियाह भा। ये बात तो सत्य है, इतनी मेहनत करी साल पेंटवे ढील हो गया। अच्छा लेकिन पकड़ सिंह जवान शंकर सिंह, हार हमारे तुम्हारे हाथ से निकल गए, लेकिन आप बैठ कर सोचते हैं उसके विषय में, जो कैसे हमारे तुम्हारे हाथ आएगा और कैसे गिरफ्तार होगा। आओ बदमूस मिल के ना इतनी गोली मारूंगा साले चोरन के, डॉक्टर पोस्टमार्टम बाद ये नहीं पता लगा पाएगा किसी ने गोली मारा मखमती का छत्ता है। तो आप लोग जो कंपनी देख रहे हैं ये कंपनी है पंपापुर की, आप लोग जो कंपनी देख रहे हैं ये कंपनी है पंपापुर पोस्ट कॉलोनी बुधकर थाना गदागन जनपद रायबरेली। जिस सज्जन को इस कंपनी की जरूरत हो तो हमारे कंपनी मालिक जी का इसमें नंबर नोट है बोर्ड में, वो नोट कर लीजिएगा, या तो हमारे प्रधान जी से संपर्क करिएगा, हम लोग आपकी सेवा में पेश हो जाएंगे। और साथ साथ हमारा भी नंबर नोट कर लीजिएगा, मेरा नंबर है 9838680216, 9838680216, आप लोग फोन पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। कहना है कफन न डालो मेरे सेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की, कफन न डालो मेरे सेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की, न दफनाओ मेरी लाश को यारो, उम्मीद है वे किसी के आ जाने की। कहना है क्यों मरते उस बेवफा के लिए, दुपट्टा न मिलेगा कफन के लिए, मरना है तो मरिए देश के लिए, तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये तो फिल्मी दुनिया बॉम्बे में गाया है, लेकिन पंपापुर की नौटंकी में गोविंदा ने क्या फरमाया है, मेरे देश की बकरी, मेरे देश की बकरी खाए पुदीना, हगे है सोवा मेथी, मेरे देश की बकरी। शंकर सिंह तूने साले अच्छा नहीं किया कि ठाकुर चतुर सिंह को गोलियों का निशाना बनाएगा, और गोलियों का निशाना बनाएगा। मर गया साला ठाकुर को मारने वाला, मर गया। और राम सिंह, हमें डाकू शंकर सिंह की आवाज कुछ पहचानी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस आवाज से हमारी कभी मुलाकात हुई हो। गंगा कैसेट में टीवी मोबाइल पिक्चर में देखो ये आवाज। अबे साले शमशान घाट के होने वाले मेहमान, गंगा कैसेट की बात कर रहा है, हमें शंकर सिंह की कुछ आवाज पहचानी लग रही है।
कहीं ये तो नहीं कि ये वही साला ट्रक ड्राइवर हो जो ठाकुर की गोलियों का निशाना बनने के बावजूद साला जिंदा बच गया हो और बदला लेने के लिए अपने आप को डाकू शंकर सिंह के नाम से मशहूर कर दिया हो। लेकिन ड्राइवर, अगर तो वास्तव में ठाकुर की गोली से बच गया है और अपने आप को अगर डाकू शंकर सिंह के नाम से प्रसिद्ध कर दिया है तो ड्राइवर दो तो साले बीहड़ की खाप छानता है, लेकिन अब एक ठाकुर तेरे घर जाएगा, ये ठाकुर तेरे घर जाएगा और तेरे घर का नक्शा बदल करके आएगा। शंकर सिंह तुम्हारा तो वो हाल करेंगे कि न वकील होगा ना गवाह होगा, न वकील होगा ना गवाह होगा, और जो ठाकुर से टकराएगा वो साला तबाह होगा। आज मेरा साजन बेटा अपनी ट्रेनिंग पे चला गया और मुझे आज मेरे पति की याद आ रही है, न जाने मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। मैं उनसे मिलने जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मैं उनका पता भी नहीं जानती हूँ। मैं क्या करूँ क्या न करूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने स्वामी से मिलने कहाँ जाऊँ कहाँ न जाऊँ कुछ समझ। इस घर में तो सिर्फ एक औरतिया है रे, ये किसका घर है? ये मेरा घर है, मेरा नाम पार्वती है। लेकिन इस घर में आप अकेली रहती हैं कि आओ कोई दूसरा रहता है? नहीं, मेरा एक बेटा है, वो फौज की नौकरी करता है। मेरे पति जी है, वो एक ट्रक ड्राइवर है। वो न जाने कहाँ गए हैं, मुझसे बता कर नहीं गए हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। हेलो, जसवंत कुमार सिंह। जसवंत कुमार सिंह जी ग्राम बोझी निवासी हैं। जसवंत कुमार जी की तरफ से घर मालिक जी के लिए 51 रुपए का व्यवहार, 11 रुपए की नाम धन्यवाद। लेकिन उस ड्राइवर का नाम क्या है? मेरे पति का नाम आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको अवश्य बताऊंगी, लेकिन मैं इससे पहले आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलो। चोर पर हाथ मैं आपसे पूछती, आप है कौन सच सच बता दीजिए, और इसके पहले मैं तुमको ना देती। मेरे पति का नाम समर सिंह है, लेकिन आप कौन है, यहाँ कैसे आए? इसका मतलब तुम समर सिंह की पत्नी हो? हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा नाम पार्वती है। राम सिंह, जिस घर की हमें तलाश थी वो घर तो मिल गवा रे। मिल गया। ड्राइवर समर सिंह की पत्नी हो? हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। और तुम मुझे जानना चाहती हो कि मैं कौन हुआ? आप कौन है? मैं शंकरगढ़ रियासत का जमींदार, जिसे लोग ठाकुर चतुर सिंह के नाम से जानते हैं। लेकिन पार्वती जी, जैसे ही तुम्हारे पति का नाम सुना कि ड्राइवर समर सिंह है, एक बात याद आ गई है और उस बात को हम तुमसे कहना चाहते हैं। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं?
सुनो कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक बता रही है कि इसकी एक लड़का भी है आ? लेकिन देखने में तो बहुत जवान लग रही है। देखिए मेरे पति जी ने आपका अपमान किया है, वो इस समय घर पे नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। जब मेरे पति जी घर पे आ जाएं तो आप उनसे मिलने चले आना, ठीक है? लेकिन पहलवा तो मतलब हमार तो उसे है ना, मुझसे क्यों से मतलब है? यही का ढूंढ ले गली गली, यही का ढूंढ ले गली गली, वो घर के पिछवाड़े मिली। मैं आपकी बात अभी समझ नहीं पाई हूँ, आप कहना क्या? हम समझा रहे हैं पार्वती जी कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सब समझा बता ही ना।